વિરમગામ શહેરમાં પ્રથમ વખત શહેરની એન્જલ હોસ્પિટલ ખાતે નવા જન્મેલા 5 દિવસના બાળકના જન્મજાત કમળાની સફળ સારવાર કરવામાં આવી. જન્મજાત કમળામાં બાળકનું ખરાબ લોહી દૂર કરી અને બાળકના શરીરમાં નવું લોહી ચડાવવામાં આવ્યું. 6 કલાકની આ સારવાર એન્જલ હોસ્પિટલ ખાતે ડૉક્ટર નિશી રાવલ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. સારવાર દ્વારા બાળકને નવું જીવન મળ્યું હતું. બાળક હાલ સ્વસ્થ છે. નવજાત બાળકને નવું જીવન મળતા પરિવારમાં ખુશીનો માહોલ છવાઈ જવા પામ્યો હતો અને પરિવારે ડૉક્ટર નિશી રાવલનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. ઇન્ડિયા ક્રાઇમ કવરેજ, મુન્ના વોહરા, વિરમગામ. મેં ડૉક્ટર નિશી રાવલ હું. મેં એન્જલ મેટર્નિટી એન્ડ ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલમાં પીડિયાટ્રિશિયન હું. हमारे यहाँ पे हर बच्चे का इलाज यहाँ पे किया जाता है. NICU, पीडियाट्रिक ICU सब सेवा यहाँ पे अवेलेबल है. यहाँ पे कुछ दिनों पहले 21 तारीख को एक बच्चा हमारे पास में, एक पेशेंट आया था जो 5 दिन का न्यूबॉर्न था. उस बच्चे को नियोनेटल जॉन्डिस था. नियोनेटल जॉन्डिस उसका इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसका खून बदल कर हमको फ्रेश ब्लड उसकी बॉडी में डालना था. ये प्रोसीजर विरमगाम में आज तक नहीं हुई है. तो इस बच्चे को हम हर बार अहमदाबाद लेकर जाते हैं. ऐसे बच्चों को, ऐसे केसेस को अहमदाबाद लेकर जाना पड़ता है. बट इस बच्चे का इलाज हमने एंजल मैटरनिटी हॉस्पिटल में पहली बार यहाँ पर किया है, जिसमें हमने उसकी बॉडी का इन्फेक्टेड ब्लड, जो कि जॉन्डिस वाला ब्लड है, वो निकाल कर फ्रेश ब्लड उसकी बॉडी में डाला है, जिसकी वजह से बच्चे की रिकवरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है. उसके पेरेंट्स भी ये उसकी कंडीशन देखने के बाद में काफ़ी ज़्यादा खुश थे. 5 से 6 दिन के बाद में इस बच्चे को हमने हमारे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया और वो बच्चा अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिकवरी ले रहा है. हमारे यहाँ पे NICU, PICU और सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है. और ये प्रोसीजर क्योंकि विरमगाम में पहली बार हुआ है, तो ऐसे केसेस हमको अभी फिर से मिलने लगे हैं. 2-3 बच्चों का उसके बाद भी हमने फिर से ये प्रोसीजर से इलाज किया है. इस प्रोसीजर का नाम है डबल वॉल्यूम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, जिसके अंदर बच्चे का पूरा इन्फेक्टेड ब्लड, जो कि जॉन्डिस वाला ब्लड है, वो निकाल कर हम फ्रेश ब्लड डालते हैं. यहाँ पे NICU में हमारे पास में वेंटिलेटर, CPAP, ऑक्सीजन, हर चीज़ अवेलेबल है. तो इस तरह के केसेस हम लोग यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं अभी. और बच्चों को अहमदाबाद तक जाकर बहुत ज़्यादा पैसे भर के इलाज करवाने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. थैंक यू.